जिस दिन इस सरदार की हटेगी उस दिन सबकी फटेगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से अंतिम फिल्म के थर्ड डे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। अभी तक इस फिल्म ने फर्स्ट डे से सेकेंड डे के हिसाब से अच्छा खासा कमाल किया है, सेकेंड डे कलेक्शंस भी बेहतर हुए हैं। अब थर्ड डे क्या होगा ये सबकी नज़र बनी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड डे भी कलेक्शंस बेहतरीन होगा। इससे पहले आप सोचोगे कलेक्शंस कितना हुआ है, तो लगभग दो दिन का कलेक्शंस 10 करोड़ के आसपास हुआ है, 10 करोड़। और तीसरे दिन का जो कलेक्शंस है वो 6 से 8 करोड़ के रेंज में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर 6 से 8 करोड़ का कलेक्शंस होता है तो टोटल हो जाएगा 16 करोड़ से लेकर 18 करोड़, और जो बेहतरीन टोटल जिसे मैं कहूँगा इस सिचुएशन में, क्योंकि कई और फिल्में रिलीज है ऑलरेडी, सत्यमेव जयते 2 है जिसने कहीं ना कहीं कलेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा डेंट लगाया है, यानी कि जख्म दिया है मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि ये आयुष शर्मा की फिल्म है इसलिए लोग थिएटर में नहीं जाए, तो लेट मी अगेन टेल यू, ये सलमान खान की उतनी ही फिल्म है जितनी आयुष शर्मा की है, दोनों की एक्चुअली। सो प्लीज़ आप जाइए थिएटर में, आपको ये फिल्म पसंद आएगी और सलमान खान का रोल भी पसंद आएगा, और बहुत लोग को इसमें राहुलिया का रोल भी पसंद आ रहा है, तो गो एंड वॉच दिस फिल्म। वैसे भी हमें हर फिल्म को सपोर्ट करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।